बाजी नाश्ता। सबने नाश्ता कर लिया? जी सबने कर लिया। और डॉक्टर साहब? वो तो चले भी गए हॉस्पिटल, उन्होंने ही कहा था आपका नाश्ता कमरे में पहुंचा दूं। ठंडा क्यों खा रही हो? ये लो गरम पराठा खा। आई लव यू। आई लव यू टू। ओ बहुत गरम है। दोस्ती हो गई थी उसकी किसी से, वो खुश नहीं थी एहसन के साथ, हर वक्त उसे बातें सुनाती रहती थी। मायूस किया है तुमने मुझे, तुम किसी काबिल नहीं हो। और सबसे अफसोस की बात ये थी बेटा, ये सारे लड़ाई झगड़े ये सब हसन के सामने होते। कौन माँ होगी जो अपने बेटे को प्यार ना करे? अलग कमरे में सोती थी वो। 10 साल का था हसन जब एक दिन बाप बेटा सोकर उठे तो वे जा चुकी थी बिना कुछ कहे, बिना किसी से बात किए। बहुत बुरा वक्त था इन दोनों के लिए, और मुझे तो पता ही नहीं चला कई महीनों तक मैं अपने भाई के घर गई हुई थी और एहसन मुझे वापस ही नहीं आने देता था। जब मैं वापस आई तो हसन बिल्कुल बदल चुका था, लगता ही नहीं था कि ये वही हसन है। हसन बुरा नहीं है, दुखी है वो, कुछ नहीं कहता, किसी से कोई बात नहीं करता। उसने अपने माजी को दफन तो कर दिया है लेकिन उसका गुस्सा जिंदा है। कोई ऐसी बात हो जाए जिससे उसको नाजिया की याद आए तो बस कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए आपने मुझसे कहा था कि मैं दिलीप से ना मिलूं, और इसीलिए उसने मुझे वो कंगन देने से भी रोक दिया था तुम्हें। हसन तुम्हें खुश देखना चाहता है बेटा, वो तुम्हें खुश रखना चाहता है, लेकिन वो ये तस्वीर भी नहीं कर सकता कि तुम उसको उसी तरह छोड़कर चली जाओ जैसे उसकी मां गई थी। देखो बेटा, तुमको जाना है ना, रुक जाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि वो इस दुख से बाहर ही ना आ सके।